बरसात में भीग जाने दे, भीग जाने दे भीगी रात। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरा नमस्कार, आप सब क्या करें। तो मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, किससे मिलने जा रही हूँ आपको वही पता चलेगा। आप क्या लिया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पर्स लिया है, रुमाल लिया है, एक कंघी लिया है क्योंकि मैं रील्स वगैरह भी बनाऊँगी। और ये मैंने एक चश्मा भी लेके रखा है, मैंने उनको भी बोला कि आप भी लेके रखना, हम थोड़ा सा रील्स भी बनाएंगे। इधर मैंने एक कैप लिया है, तो मैंने रील्स सोचा है बनाने के लिए इसके लिए। और ये है मेरा ट्राइपॉड छोटा सा। ये मैंने छतरी ली है क्योंकि बारिश का मौसम है, तो छतरी भी मैंने लिया है, अगर बारिश होगी तो काम आएगा। तो यही सब मैं ले रही हूँ। ये मेरे बेटी का बैग है, तो इसमें सब सामान आ जा रहा था क्योंकि मेरा जो मैं पर्स है वो बहुत छोटा है, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। और ये मैं पीछे आराम से टांग भी सकती हूँ, और टांगने के बाद मैं अच्छे से, क्योंकि मैं अकेले जा रही हूँ तो मैं सूट भी कर सकती हूँ आराम से। तो ये मेरा सामान रहा। और ये मैं ईयरफोन भी लेके जा रही हूँ, हो सकता है काम आए, इसको भी मैं अंदर ही डाल लेती हूँ, एक भी चीज़ छूटे ना, गिरे ना, नहीं तो फिर फोफट हो जाएगा। इसके अंदर डाल देती हूँ। और आप लोग ब्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग है दोस्तों। बहुत काफ़ी टाइम बाद मैं बाहर जा रही हूँ, वो भी किसी से मिलने। और ये रहा मेरा मास्क, अभी मैं बाहर जा रही हूँ, चप्पल वगैरह पहनूंगी, तो चलो निकलते हैं अभी। हेलो दोस्तों, तो मैं घर से निकल गई हूँ अपना डेरा डंडा लेके। और वो मेरी फ्रेंड जिससे मैं मिलने जा रही हूँ वो भी आ रही है। हम बीच में रुक गए, क्यों रुक गए मैं आपको बताती हूँ। मैं बहुत पहले निकल रही थी और मुझे लेट भी हो गया है, क्योंकि जैसे मैं निकल ही रही थी मैंने फ़ोन किया कि हम निकल रहे हैं, और वैसे ही बारिश होने लगी। तो सोचा वीडियो भी बनाना है, ब्लॉग भी बनाना है, फिर बारिश में कैसे बनाएंगे यार, यही सोच रहे थे, इसीलिए मैं रुक गई दो मिनट के लिए। क्या दो मिनट के बदले 5-10 मिनट हो गया, फिर मैं फ़ोन में बात भी करते रह गई, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई हैं हाल ही में ही, बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई हैं, आप लोग को वीडियो में पता ही चल जाएगा। तो चलो अभी निकलते हैं, और आप लोग वीडियो में प्लीज़ बने रहिएगा। बड़ा ये उतावली हूँ मिलने के लिए, तो चलो चलते हैं। अभी तो यहाँ का भी कुछ इस तरह है, देख सकते हैं बारिश हुई है। और मैंने अपने बैग में यहाँ छाता रखा है, और यहाँ मैंने मास्क भी लिया है, तो अभी फ़िलहाल मैं मास्क लगा लेती हूँ, नहीं तो खतरा बना रहेगा, क्योंकि मास्क अभी हम निकाल नहीं सकते, मास्क हमें कंटिन्यू लगाना है। और सैनिटाइज़र भी हम लिए हैं, तो फ़िलहाल मैं मास्क लगा लेती हूँ, फिर मैं आप लोग से बात करती हूँ। तो यहाँ तो कोई रिक्शा मिला नहीं दोस्तों, यहाँ तो कोई रिक्शा मिल नहीं रहा है, तो मुझे मेन रोड पे जाना पड़ेगा, एमजी रोड पे, वहाँ से मैं लूँगी, फिर हम जाएंगे जहाँ हमें जाना है। जल्दी जल्दी जा रही हूँ, तो सांस भी फूल रहा है, पर बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत दिन बाद मैं बाहर निकल रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ऊपर से अगर किसी से आप मिलने जा रहे हो अपने फ्रेंड से, तो सोने में सुहागा हो जाता है, मज़ा आने वाला है। तो आप लोग वीडियो देखिएगा, पूरा देखिएगा, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, और लाइक भी कीजिएगा। तो दोस्तों मेरी फ्रेंड पहुंच गई है, कॉल आया था और बहुत आवाज़ आएगी, तो मैं भी फटाफट पहुंचती हूँ, मुझे लेट हो रहा है क्योंकि मैं पैदल जा रही हूँ, तो चलो जल्दी जल्दी चलते। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने रिक्शा ले लिया है, तो मैं लिंक रोड से जा रही हूँ दोस्तों। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं कहाँ मिलने जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ लिंक रोड की तरफ से, बैक रोड आता है जो कि इनॉर्मिट मॉल है गोरेगांव में, उसके पीछे एक बड़ा सा गार्डन है, और वहाँ बहुत ही अच्छा रोड भी है, बहुत खाली खाली रहता है वहाँ, बहुत घूमने फिरने वाले पब्लिक रहते हैं, बहुत बड़ा गार्डन है, कभी आप ज़रूर आइएगा बैक रोड, आपको वहाँ बहुत अच्छा लोकेशन मिलेगा, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा, बहुत अच्छे आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। आप अभी देखिएगा, आप वीडियो में बने रहिएगा, आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वहाँ का नज़ारा कैसा है। ये देख सकते हैं, ये सामने आ गया है हाइपर सिटी, और इसके ही जस्ट बाजू में इनॉर्मिट मॉल है दोस्तों। ये देख सकते हैं, सीधा हम सिटी से, हाइपर सिटी के
बाजू से ये वाला रोड है तो यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा हरियाली हरियाली है, कितने बड़े बड़े घास वगैरह हैं, क्योंकि यहाँ का एरिया बहुत खाली है। और आगे आप चलेंगे तो खाड़ी है, तो यहाँ का सबसे बड़ा खाड़ी यही है मुंबई का, या मान लो गोरेगांव का। तो ये देख सकते हैं ये जो दिख रहा है इतना बड़ा बड़ा झाड़, तो ये खाड़ी में सारे झाड़ है दोस्तों। नीचे सब पानी है, साफ़ सुथरा पानी नहीं है, गंदा पानी है सब, मतलब जो यहाँ का गटर वटर का पानी रहता है जैसा वैसा पानी है, तो ये साफ़ पानी नहीं है दोस्तों। तो आसमान देख सकते हैं कितना अच्छा खुला हुआ आसमान है, और व्यू तो आप देख ही सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना अच्छा नज़ारा है। आगे आप देखिए ये गार्डन आ गया, ये बैक रोड वाला गार्डन जिस गार्डन की मैं बात कर रही थी, बहुत बड़ा गार्डन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा दूर तक ये गार्डन है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं पहुँच गई हूँ, तो अब मैं उतर जाती हूँ यहाँ। हेलो दोस्तों, तो मैं यहाँ आ गई हूँ, रिक्शे से उतर गई हूँ, और मेरी फ्रेंड भी आ गई है रिक्शे में है। मैं आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग मिलेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि लगभग इंस्टाग्राम वाले सभी जानते हैं। तो और चलते हैं, ये देखिए ये है रिक्शा, और यहाँ रही, आ जाओ, ये देखिए देखिए कौन है कौन है। हाँ तो ये है, देख सकते हैं आप लोग अच्छे से देखिएगा, इंस्टाग्राम वाले सब लोग अच्छे से देखिएगा। ये है अंजलि सिंह, जो कि हम हाल ही में बहुत जल्दी फ्रेंड बने और बहुत क्लोज आ गए कि हम मिलने भी आ गए। तो मैं आप लोग को यही बता रही थी कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ। तो ये है अंजलि, अंजलि सिंह। हम कहाँ मिले थे अंजलि? हम लोग इंस्टा पे मिले हैं, स्कूल फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, और हम लोग इंस्टा पे बहुत दिन बाद ऐसे इंस्टा पे मिले थे, और बहुत अच्छा लगा मिलके। अभी हम साथ में इंजॉय करने वाले हैं, और आप लोग वीडियो में बने रहिए, और थोड़ा सा हम रील्स वगैरह भी बनाएंगे। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। ये मेरा ना एक्चुअली ना इसका कैमरा देख के ही लिए थे, यहाँ मेरे कैमरे की तारीफ हो रही है। अंजलि देखो कितनी खूबसूरत लग रही है मेरा। ये देखो ये है, यहाँ हम लोग जाने वाले हैं। ये है बैक रोड का गार्डन का नाम क्या है अंजलि? गार्डन का नाम है, मैं भी भूल गई हूँ। चलो वहाँ दिखाते हैं, कुछ बोर्ड वगैरह लगा है आपको पता चलेगा। और यहाँ देख सकते हैं लॉकडाउन लगा है, तो भी काफ़ी लोग यहाँ हैं। लॉकडाउन खुल गया है, मतलब पर जेपी बोले थे कि कुछ लगा भी है, मतलब प्रॉपर तरह से नहीं खुला है। ये देख सकते हैं यहाँ इतने सारे लोग हैं, हम ही लोग अकेले नहीं हैं, बहुत लोग हैं है, बहुत लोग हैं। और ये हैं अंजलि, और ये देखो ये यहाँ इस तरह का बोर्ड लगा है। आज तक मुझे भी नहीं पता इस गार्डन का नाम क्या है, इतना पता है कि ये बैक रोड है, और इनॉर्मिट का पीछे वाला गार्डन हमको पता है। और यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, सब खेले हैं, पर मैं मेरे बच्चों को नहीं लाई हूँ, बस हम ये दोनों लड़कियाँ इंजॉय करने आई हैं, मस्ती करने आई हैं आज अकेले। बहुत अच्छा है, इसलिए हम लोग आए हैं। हाँ, इसीलिए। और आगे आग ना पाछे, बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, फिर छतरी भी लेके आए हैं। छतरी न खोल बरसात में, भीग जाने दे, भीग जाने दे भीगी रात, भीग जाने दे भीगी रात। और ये देखो मौसम, देखो बारिश हो सकती है, शायद गार्डन बंद है क्या अंजलि? हाँ हाँ, तो गार्डन बंद है। ये देखो गार्डन बंद है भाई, हम अंदर नहीं जा सकते है। देखो यहाँ वायर लगा हुआ है, हमें यही टाइम पास करना पड़ेगा। नहीं तो गार्डन बहुत बड़ा है अंदर, कभी मैं अगर फुर्सत से आऊँगी तो मैं आप लोग को पूरा व्यू दिखाऊँगी गार्डन का। है दोस्तों, है अंदर बंद है, तो यहाँ बंद है दोस्तों। यहाँ अंजलि पूछ रही है कि चालू नहीं होगा क्या, देखो बात कर रही है अंजलि, अंदर नहीं जा पाए, नहीं तो अंदर जाते तो थोड़ा अच्छे से बैठने बैठने का चांस है, फिर वहाँ हम थोड़ा वीडियो भी शूट कर सकते थे। अंदर बंद है ना, तो अभी हम इधर ही इंजॉय करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छा है। हाँ यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, हम यहाँ और पता है अंदर अंदर अभी रोड की साइड भी हम जा सकते हैं, वहाँ भी वीडियो बना सकते हैं, पर अंदर पता नहीं क्यों बंद है। अरे लॉकडाउन है ना, अभी ये सब तो चीज़ें बंद ही रहेगी ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चालू होंगी, ये सब बंद, मतलब गार्डन मॉल वगैरह ये सब बंद रहेगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो खुला है, बाकी ये सब बंद है। तो बार बार ही घूमेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों हम लोग ने इंजॉय कर लिया, तो जितना हो सका मैंने शूट किया, तो आप लोग ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। तो मैं और अंजलि दोनों साथ में घर जा रहे हैं, क्योंकि हमारा और अंजलि का घर थोड़े से आस पास है,
तो पहले मेरा आता है, फिर अंजलि का आता है। तो हमने देख सकते हैं एक ही रिक्शा लिया है, हम करते हैं घर पे आपको थोड़ी देर में करने के बाद बाहर वही बोलेंगे उसका वीडियो लेंगे। तो दोस्तों अंजलि अपने घर जा चुकी हैं, उनका गया मतलब जितने हम आए थे, और मैं जा रही हूँ अभी अपने घर। तो खूब बारिश हो रही है, हमने खूब मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया, और अंजलि से मिलके सच में काफ़ी टाइम बाद मिले, फिर भी बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया। बचपन याद आ गया कि हम बचपन में अपने फ्रेंड लोग के साथ कैसे इंजॉय करते थे। तो अभी मैं घर जा रही हूँ और सोच रही हूँ मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ, और मिलती हूँ मैं अपने अगले न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बाय।